पिता की पुण्यतिथि पर पति पत्नी ने उठाया ऐसा कदम। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उम्मेद बेरानी, आप जुड़े हैं अशोक से राह फेसबुक पेज से। हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक इस खबर को देखें, इस खबर को सुने। इससे पहले हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक इस खबर को शेयर करें ताकि और भी जो लोग हैं इस खबर से सीख ले सके। साथियों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर नज़र आ रही हैं बाड़मेर के जिला अस्पताल की है, जहाँ पर दंपत्ति एक नज़र आ रही हैं, आपको पति पत्नी नज़र आ रहे हैं और ये पति पत्नी अपने पूरे परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ आज बाड़मेर जिला अस्पताल पहुँचे हैं, जहाँ पर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जिला अस्पताल के जो हेड है डॉक्टर मंसूरिया, जिनको अपना त्याग पत्र दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मरने के बाद किस तरह से जो है यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी की जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए, मरने के बाद जो इंसान के शरीर काम आता है उनके लिए ये अपने शरीर का देदान कर रहे हैं। इनको कैसे ये आइडिया आया देदान करने का, क्यों ये देदान कर रहे हैं, ये पूरी बात हम इनसे जानेंगे। इससे पहले मैं आपको ये तस्वीर बता दूं बाड़मेर के जिला अस्पताल की, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो पति पत्नी जो अपने पिता की पुण्यतिथि पर आज इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं और इनका ये क्या कहना है ये भी हम आपको सुनाएंगे। इससे पहले हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक इस खबर को शेयर करें ताकि और भी जो लोग हैं इस खबर से सीख ले सके। ये खबर बाड़मेर के जिला अस्पताल की है, जहां पर आप देख पा रहे हैं दंपति ने अपना जो है देदान पत्र बाड़मेर के डॉक्टर बीएल मंसूरिया को सौंपा है और इस के बाद में इनका क्या कहना है जरा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी तक हमारी 46 देदान की घोषणा हो चुकी थी, आज दो देदान और की घोषणा हुई है, कुल 48 देदान की घोषणा हुई है और तीन उसमें से दे हमारे को मिल भी चुकी है। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? आम लोगों से यही अपील है कि ये जो अभी अंगदान पखवाड़ा भी चल रहा है और गवर्नमेंट की और सभी की यही मंशा है कि मृत्यु के बाद में जो है बॉडी को जलाया जाए या दफनाया जाए, लेकिन उस बॉडी में तो कई सारे अंग होते हैं जिसको जो दूसरे मानव को बचाया जा सकता है, तो इस तरह की मुहिम गवर्नमेंट चला रही है, कल से जो पखवाड़ा शुरू हुआ है। तो हम पब्लिक से यही अपेक्षा रहती है कि भी बॉडी दान करें या अंग दान करें, तो इनको ये अपने मृत्यु के बाद में जिंदे रहने का जो है एक तरीका जो अपना है और उसे किसी को जीवन दान मिल सकता है, किसी को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो पब्लिक से यही रहेगी कि भाई वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग लें। सर, आज एक पति पत्नी ने जो किया क्या, इन्होंने क्या दिमाग में आया था और किस लिए आज जो देवदान किया वो हमारे स्टाफ देवदान करने की जो घोषणा की है वो हमारे स्टाफ से ही है, वो पहले से शिक्षित है कि भाई इसका क्या महत्व है और क्या किया जाना चाहिए, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इनको और भी लोग अनुसरण करेंगे ताकि कॉलेज में कोई बॉडी की कमी नहीं रहे। मेरी माता जी की 31/7 को पुण्यतिथि है 12वीं, और आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, तो उस उपलक्ष में हम दोनों ने अपनी इच्छा से निदान किया है। और ये जो विचार आया ये मेरे महापुरुषों की देन है, ज्योतिबा फुले, गौतम बुद्धा, बाबा साहब, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो त्याग है, उनकी वजह से। उन्होंने, बाबा साहब ने कहा था कि अपने जीवन में अगर कुछ आए हो तो अपने समाज को देके जाना, तो तन मन बुद्धि श्रम हुनर जो भी है, तो मैं मेरी इच्छा से बाबा साहब की विचारधारा प्रेरित होकर मैं ही अपना स्वयं देदान कर रहा हूँ। क्या काम क्या करते हो? मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, बाड़मेर पीएमओ में लगा हुआ हूँ और मेरे को यह नौकरी 15 साल हो गई। क्या लोगों से क्या अपील रहेगी देदान के लिए? लोगों से यही अपील रहेगी कि भाई वो जो जिस समाज से वो आए हैं उनको समाज को देखे जाना चाहिए, भले वो देदान के रूप में हो, अपना बुद्धि श्रम जो भी उनको लगे वो ठीक जाना चाहिए। कब दिमाग में आया था कि हाँ मुझे भी देदान करना है? जब मैंने मेरे महापुरुषों को पढ़ा तब मेरे विचार में कुछ न कुछ आया था दिमाग में, मुझे कुछ देना चाहिए। और आज मेरे पिताजी और माताजी की पुण्यतिथि है, तो उस उपलक्ष में एक महान आया और मैंने एक देदान किया। अच्छा, हस्बैंड वाइफ दोनों ने किया, वाइफ ने क्या मना नहीं किया? नहीं, मैं नहीं करूँगा।
वैसे मेरी वाइफ का ही आइडिया था कि भाई हमको देदान करना चाहिए। प्रेरणा मतलब मेरी वाइफ ने पहले कहा था, मैंने बाद में कहा, पहले वाइफ वाइफ नहीं कहा था।